में रैपिड टेस्ट किट से शुरू की गई जांच व्यवस्था को लेकर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां रैपिड टेस्ट किट से रैंडम जांच शुरू की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत के निर्देशों पर राज्य की सभी जनता के लिए रैंडम जांच की जाएगी, जिससे संक्रमण को रोकने में फायदा होगा। और इसी के साथ चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी दिन रात मेहनत कर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं और नतीजा ये है कि भीलवाड़ा में अब तक सभी मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं अब तक प्रदेश में 183 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है और 93 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। 12 कंपनियों को अप्रूव किया था और रैपिड टेस्टिंग किट सप्लाई करने के लिए पिछले एक हफ्ता पहले हम लोगों ने 2,00,000 रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया था और उसमें से कुछ किट्स हमारे आ भी गई थी, कस्टम में रुकी हुई थी कई दिनों की जद्दोजहद के बाद। कल पहली खेप 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट की हमारे यहाँ पहुंची। कल ही 5 बजे हमने इसको प्रायोगिक तौर पर टेस्टिंग का काम किया। जितने लोगों को हमने टेस्ट किया वो सारे सारे नेगेटिव आए। एक्चुअल में ये परफेक्ट टेस्ट नहीं है, ये एंटीबॉडी टेस्ट है। सिम्टोमेटिक केसेस का पता चल जाता है, जहाँ कहीं ज़्यादा मात्रा में संभावना रहती है कि यहाँ स्प्रेड हो सकता है वहाँ इस टेस्ट का उपयोग है। और ये उपयोग अब जैसे जिन जिन इलाकों में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है उन इलाकों में रैंडम सैंपलिंग करने का काम रैपिड टेस्ट किट के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि जो लोग सिम्टोमेटिक केसेस के रूप में सामने आए उनका RT-PCR टेस्ट, जो कि फाइनल टेस्ट होता है, वो टेस्ट हम करा पाए और इस बीमारी पर अंकुश पाया जा सके। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज 53 कोरोना पॉजिटिव मिले।